mm -hmm. मान रही मेरा नाम अतर अब्बास और आप देख रहे हैं रमज़ान हमारे साथ इस्लाम चैनल उर्दू के ऊपर और ये जो प्रोग्राम है और इस्लाम चैनल उर्दू के जो सारे प्रोग्राम हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं आपके लिए नई नई बातें लेके आते हैं जिससे आप सीखते हैं आप पार्टिसिपेट भी करते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर व्यूअर्स ये जो रमज़ान है ख़ास तौर पर बच्चों के लिए वो बड़ा ख़ास है उसकी वजह यह है कि आपको पता है दो वीक की छुट्टियाँ थी और बच्चों ने फुली पार्टिसिपेट किया है उस तमाम प्रोसेस के अंदर सैरी के अंदर रफ्तारी के अंदर अपनी माओ की हेल्प कर रहे हैं बाज़ार में साथ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तरावी के लिए जा रहे हैं तो जितना इन्जॉय बच्चों ने शायद काफ़ी अरसे के बाद इस रमज़ान की है पहले नहीं किया अगले रमज़ान में भी शायद यही रूटीन रहेगी कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा सीख रहे होंगे दीन को इस सारे माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर रहे होंगे और रियली दे आर इंजॉय आज हमारे पास एक ख़ास गेस्ट हैं लेकिन उन उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपको एक कोर्ट बताना चाहता हूँ कहते हैं कि जो कामयाबी की इमारत है वो हमेशा उन पत्थरों से तामीर होती है जो लोग आपकी तरफ़ फेंकते हैं इसका मतलब ये है कि कामयाबी हरगिज़ आसान नहीं होती इसकी बहुत आपको कीमत अदा करनी पड़ती है आप जो ही एक स्टेप आगे बढ़ते हैं आपकी टांग खींचने वाले लोग आ जाते हैं आप पे तंज करते हैं आप पे डाउट करते हैं आप पे वो समझते हैं कि शायद अगर वो किसी वजह से कामयाब नहीं हो सके तो दुनिया में कोई भी शख्स कामयाब नहीं हो सकता लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर आपने डिसीजन कर लिया है अगर आपने मेहनत शुरू कर दी अगर आपने गोल्स बना लिए हैं और आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है तो फिर कोई आपको नहीं रोक सकता फिर जितने भी लोग बातें करें आप उसको एज ए चैलेंज लेते हैं जितने भी लोग आपकी टांगें खींचे आप और आगे बढ़ते हैं और तेज़ी से अपना सफ़र जो है वो जारी वारी रखते हैं और फिर एक वक्त आता है कि दुनिया आपको एक कामयाब शख्स के तौर पर जानती है और मानती है हमारे साथ आज मौजूद हैं यूके में बल्कि पूरी दुनिया का फ़ख्र है रॉयल नवाब रेस्टोरेंट जिसने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी हैं अपने स्टैंडर्ड की वजह से अपनी मेहमान नवाजी की वजह से और एक समझ लें हमारे लिए ख़ास पर पाकिस्तानी लोगों के लिए एक बड़ी फ़्र की बात है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी से हमारे दोस्त जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त सर्विस कम्यूनिटी को फराम कर रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल नवाब के ऑनर मोहम्मद वक़ा साहब असल कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र ठीक है बहुत शुक्रिया आप बहुत बिज़ी रूटीन है आपकी ख़ासतौर पर रमजान में आ, उसके बावजूद आप यहाँ पर तशरीफ़ हैं रॉयल नवाब के हवाले से एक ब्रांड है अलहमदिल्ला दुनिया जानती है आ, आपका जो टेस्ट है आपकी जो सर्विसज हैं आपकी जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स तो दिस इंडस्ट्री उसको लोग अप्रीशिएट करते हैं ये जो सफ़र है ये कैसे स्टार्ट हुआ जी तो भाई सबसे पहले तो जो आपने एग्जांपल दी कि जब लोग पत्थर फेंकते हैं तो उसी से चटान बनती है लेकिन मेरे लिए कुछ इस है कि मेरे वालिद मेरे आगे एक चटान की तरह हमेशा खड़े रहे तो वो जो भी पत्थर आता है वो उस चटान पर जाता है वो चटान बड़ी होती जाती है तो जब तक वालिद मेरे साथ हैं इंशाल्लाह कामयाबी रहेगी सफ़र वालिद ने स्टार्ट किया था और मैं इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उनके जो कदम है वो मेरे लिए भरना मुश्किल होगा तो कामयाबी इसी तरह है कि वालिद मेरे उस्ताद भी हैं और उन्हीं से सब कुछ सीखा है और ये सब कुछ जो है उन्हीं की वजह से है तो बस उन्हीं की बातों पे चलता रहता हूँ कभी उनकी बातें देर से समझ आती हैं कभी जल्दी समझ आ जाती हैं कुछ एक्सपीरियंस से सीख जाता हूँ तो बाकी अल्लाह का करम है ये जो नवाब का बिज़नेस है बेसिकली ये ऊपर अल्लाह चला रहा है कोई अल्लाह किसी ने कोई दुआ दी है कोई अल्लाह का हाथ है कुछ इस तरह चल रहा है और दूसरा नीचे वालिद मोहतरम की वजह से तो इसमें ये एक मुश्किल बहुत आती हैं सफ़र मुश्किल है कोई भी सफ़र आसान नहीं होता लेकिन बस अल्लाह का करम होना चाहिए और आप में हिम्मत होनी चाहिए तो इन इंसान आगे चलते ही रहते जी वकास भाई बहुत शुक्रिया आ, हमारे इस प्रोग्राम में डिस्कशन वकास भाई से जारी रहेगी लेकिन आप जानते हैं कि हमारा सेगमेंट है कुकिंग का भी और बड़ी टैलेंटेड शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ दियाल मियाँ दिया कैसे कैसे हैं आप जी अल्लाह का Uh, मियाँ ये बताइए कि जो लास्ट हमारी रेसिपीज़ थी लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया uh, फ़ेसबुक पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आपकी रेसिपीज़ लोग पसंद कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत मज़े मज़े से आसानी के साथ अपनी रेसिपी एक्सप्लेन कर देती हैं आज आप क्या बनाने जा रही हैं तो आज मैं बना रही हूँ मशहूर ज़माना पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड दही बड़े और ये बनेंगे माश की दाल से सबको पसंद है गर्मियाँ आ रही हैं तो समथिंग लाइट और वैसे भी वेजिटेरियन हेवन है जी ज़बरदस्त तो आप अपना जो है प्रोसेस स्टार्ट कीजिए अच्छा तो मैं आपको जल्दी से इसकी अज्जा बता देती हूँ बहुत सिंपल झटपट बनने वाली डिश है और ज़्यादा चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं होती तो मेन जो हमने लिया है एक किलो दही लिया है जिसे हम यूज़ करेंगे और ये दही बड़े मैं माश की दाल से बना रही हूँ और इसमें जो की है वो ये है कि इसे ओवरनाइट सोक करें ताकि अच्छे से नरम हो जाए तो इसे ग्राइंड कर लिया है और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी हरी मिर्च थोड़ा सा चाट मसाला और नमक और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें ताकि जब ये ख़ुद से जो सिर्फ बड़े हैं इत वो भी टेस्टी हों बग़ैर दही में डाले भी और साथ में हमने इसकी गार्निश के लिए लिया है एक उबला हुआ आलू और थोड़ा सा रेड ऑनियन डालेंगे पटे इसमें टमाटर डालेंगे और धनिया और साथ में अनार के दाने भी ऊपर से गार्निश करेंगे तो दही मिक्स करने के लिए जो हमें मसाले चाहिए बड़े सिंपल प्लेन से हैं उसमें थोड़ा सा लीम का रस चाहिएगा चाट मसाला मिंट चटनी बनाई है और मैं आपको सिखाऊंगी अगले आने वाले प्रोग्राम में कैसे बनाती हूँ और काली मिर्च नमक और थोड़ी सी हम आइसिंग शुगर डालेंगे जो कि इसको मीठा टेस्ट देगी जी ज़बरदस्त अमिया दिया जो है बैकग्राउंड पे अपनी जो रेसिपी है उस पर काम करना शुरू कर देंगे हम वकास साथ के साथ वापस आते हैं वकास भाई रमज़ान है रोज़े आप रख रहे हैं हम सब मुसलमान रोज़े रख रहे हैं रोज़े की जो एसेंस है वो तकवा है आप क्या समझते हैं कि जो रोज़ा है वो क्या है अत भाई सबसे पहले तो रोज़े को समझने के लिए आपको दीन को समझना पड़ता और ये ज़रूर एक पिलर ऑफ इस्लाम है जो है रोज़ा भी लेकिन उससे पहले आपको अपने दीन को समझना चाहिए रोज़ा मेरे अंदाज़े में जो मेरे लिए करता है वो यही करता है कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ कराता है लेकिन इसमें ये नहीं है जैसे लोग कहते हैं आपको गरीब की भूख समझ आएगी ये वो क्योंकि हमारे से वो नहीं होता रोज़ा खुलता है अल्लाह अकबर होती है सारे खाने पर टूटे होते हैं तो वो गरीब की भूख नहीं है लेकिन एक चीज़ ये कि आपकी बॉडी को ये बड़ा क्लीन करता है डिटॉक्सिफाई करेगा उसके अलावा आपको मैंटली ये स्ट्रॉग बनाता है लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो इस्लाम है एज ए मज़हब वो बड़ा पीसफुल मजहब है और इसको हम रिप्रजेंट करते हैं इसको जैसे हम रिप्रजेंट करेंगे वैसे ही दूसरे लोग इसको प्रसिव करेंगे तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि हम रोज़े तो रखते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे रमज़ान ख़त्म होता है हम वापस वहीं पहुँच जाते हैं जो हम पहले कर रहे थे तो ये है कि अगर आप रोज़े रख रहे हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं तो पहले अल्लाह से अपना कनेक्शन एक कायम करें जिक्र मेरे ख़्याल से सबसे पहली चीज़ है आप अल्लाह का जिक्र शुरू करें फिर नमाज़ शुरू करें ख़ाली रमज़ान में नहीं वैसे भी हमें करना चाहिए और रोज़ा वैसे भी रखना चाहिए रमज़ान के अलावा भी क्योंकि नबी नबीम की सुनत भी है रोज़ा जो है वो इंसान रखते थे इंसान को बदलता है रोज़ा तो रमज़ान के अलावा भी रखने की कोशिश करें ताकि आपको इसकी अहमियत का और अंदाज़ा हो अच्छा हमने ये देखा है कि जिस तरह फरमाया ये गया कि रमज़ान में शैतान जो बंद कर दिए जाते हैं अच्छा जब शैतान बंद हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब आपका जो दुश्मन है वो सिर्फ़ आपका नफ़्स रह गया तो जो पूरा साल है वो एक आपकी जो परवरिश है शैतान आपके नफ्स की वो करता रहता है शायद यही वजह है कि जब रमज़ान आता है शैतान तो बंद हो गया लेकिन जो हमारा नफ्स है वो कंटिन्यूसली हमें वही काम करने पर मजबूर करता रहता है जो हम रमज़ान से पहले भी करते रहें अरे भाई अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा शैतान आपके अंदर खुद होता है जी जी कोई आपको वर्गला नहीं सकता इसलिए कुरान में भी कहा गया अगर तुम्हारे साथ अच्छा होता है तो मैं करता हूँ बुरा होता है तो तुम अपने साथ खुद करते हो तो इसे भी हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि सबसे बड़ा शैतान हमारा नफ़्स है और हम खुद हैं बाक़ी जो है वो शैतान जैसे भी है जो भी है वो है लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है दुरुस्त है मैं इसे आप जो है एग्री करता हूँ कि हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना चाहिए जो रोज़ा हमें सिखाता है जी जो हमारा दीन भी हमें बताता है कि आप अपने नफ्स की जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है आई डोंट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन अगर अब तुम अपने नफ्स की गारंटी मुझे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दूँ बिल्कुल ऐसे ही तो ये चीज़ जो है आपने बिल्कुल ठीक कही है मैं ऐसे एग्री करता हूँ कि जो है इंसान को अपना नफ़्स कंट्रोल करना चाहिए जैसे आप वो कंट्रोल करेंगे मेरे ख्याल से कोई भी किसी किस्म का शैतान उसको आपको इफेक्ट नहीं कर सकेगा फिर बिल्कुल नहीं कर सकता और ये तभी मुमकिन है कि जो प्रैक्टिसेस रमज़ान के दौरान हम कर रहे हैं आ, वो प्रैक्टिसेस हम रमज़ान के बाद भी जारी जारी रखें अच्छा आप चूँकि बिज़नेस मैन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है आप क्या समझते हैं कि क्या ये वजह है कि रमज़ान के दौरान भी आ, कुछ लोग उस तरह से रोज़ा नहीं रख पाते या जो जो अमाल वो रमज़ान से पहले कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल झूठ बोलना है फ्रॉड करना है वो सारी चीज़ें वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो उसकी बुनियादी वजह आपकी क्या लगता है क्या है ये दीन से दूरी है माहौल से दूरी है या वो कभी इस तरह के लेक्चर नहीं सुन पाते जिस तरह जिससे वो अपनी आपकी सलाह कर सकें या ये जबिलत है उनकी मेरे ख़्याल से जो है ना वो इस्लाम से दूर हैं एक जर्नी है जो वो गुज़ार रहे हैं इंसान के लिए अल्लाह ताला ने एक जर्नी लिख दी है फ़्री विल दी है वो उसमें से गुजरेंगे तो मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई बंदा झूठ बोले या फ्रॉड करे तो वो गलत है हो सकता है वो अपनी जगह पर ठीक हो अल्लाह ताला ने उसको इसलिए वहाँ पे किया हो कि वो या आपको सबक सिखा रहा हो या आप उसको सबक सिखा रहे हो तो लोग कंट्रोल विद टाइम ख़ुद कर लेंगे लेकिन दीन से वाकई हम लोग थोड़े दूर हैं क्योंकि दीन को समझना जो है वो एक मेरे अंदाजे में मेरा ओपिनियन है मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ सटन डन लेकिन मेरा ओपिनियन है के दीन को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुरान पढ़ना है कुरान पढ़ के जैसे आपको समझ आती है आप उसको उस तरह समझें और आप उसको फिर उस पर चलें सेकेंड स्टेप जो आपका आएगा आप हदीस को उसके साथ मैच करें हदीस के साथ उसको समझना शुरू करें अगर फिर आपको समझ आना शुरू होती है जो अगला स्टेप है आपका फिर आप कुरान की तफसीर हदीस और कुरान का जो तर्जुमा है उसको मिक्स करें जब आप उन तीनों को समझना शुरू होंगे उसके बाद आपको एक उस्ताद की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उस लेवल के बाद एक आम इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देगा तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं झूठ और फ्रॉड ये वो जो आप कह रहे हैं ये ज़माना है हम खुशकस्मत लोग हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला ने हम हमें इतना इस काबिल समझा है कि हमें इस ज़माने में भेजा है कि इस ज़माने में अगर हमारा टेस्ट होगा हमारे इम्तहान होंगे हम शायद काफ़ी नेक लोग हैं कि अल्लाह ने भेजा कि यार इनको इस ज़माने में भेज के टेस्ट करो क्योंकि ये ऊपर लेवल के लोग हैं ये नीचे लेवल के लोग नहीं हैं इनको ज़रा ज़्यादा मुश्किल हालात में डालो तो मेरे ख़्याल से हम खुशकस्मत लोग हैं हर बंदा सीख जाता है एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा मरने से पहले अपनी ज़िंदगी का सबक सीख जाता है चाहे वो जैसा भी रहा हो ज़िंदगी में एंड उसका जो है वो उसको रियलाइज़ होगा कि मैंने ये ये चीज़ गलत की है इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जो तोबा का दरवाज़ा है वो आपके लिए खुला है और अगर आप इस्तिग़फार करते रहेंगे अच्छा नवाब की तरफ वापस आते हैं मुझे कुछ दिन पहले नवाब में अफ्तार का इत्तेफाक हुआ एक दोस्त के साथ वहाँ गया था एक मेहमान नवाजी नज़र आई मेहमान नवाजी इस तरह से कि एक चलें सिटिंग अरेंजमेंट अपनी जगह सारा कुछ लेकिन चूंकि रमज़ान है तो सब के लिए खजूरों का अहतमाम रुआ अफज़ा का अहतमाम और फिर फर्दन फर्दन टेबल के ऊपर जो वेटर्स हैं वो आके बार बार पूछते हैं ज़्यादा मेहमान नवाजी जो है वो मुझे नज़र आई तो ये क्या सिर्फ रमज़ान में ही होती है या पूरा साल ये नवाब की खासियत है देखिए हमारी कोशिश होती है पूरा साल ये खासियत रहे लेकिन ऑब्वियसली हर कस्टमर का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है लेकिन जो हमें एक कोर बुनियाद दी गई है जो मेरे अबू की तरफ से है वो यही है कि जो आपके पास कस्टमर आ रहा है उसको ये समझो कि वो आपके घर मेहमान आ रहा है आप उसको वो खाना खिलाओ जो आप खुद खा सकते हो या आपके बच्चे खा सकते हैं उसको वो ना खिलाओ जो आप ख़ुद नहीं खाओगे या बच्चों को नहीं खिलाओगे तो ये उसकी जो है मेहमान की लुक आफ्टर करना ये अबू ने हमेशा हमें ये कहा हमारे जो स्टाफ है उसको लोग वेटर कहते हैं हम वेटर नहीं कहते वी कॉल देम होस्टिंग स्टाफ अगर आप कभी उनको कहेंगे जॉब लेटर लेके आओ उस पर होस्टिंग स्टाफ लिखा है उनको जो कस्टमर सर्विस की भी ट्रेनिंग दी जाती है उनको बताया जाता है आप वेटर नहीं हो आर अ होस्ट ये आपके मेहमान आ रहे हैं इमेजिन करें आपकी फैमिली आ रही है आपके रिश्तेदार आ रहे हैं आपने उनकी लुक आफ्टर करनी है तो हमारी तो भरपूर कोशिश होती है लेकिन हर बंदे को शायद वो मेहनत जो चल रही है पीछे एक और चीज़ जो मैंने नोट की है इधर के हर बंदा आता है देखता है जैसे कल की मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं खुद क्यों मैनेज करता हूँ आजकल क्यों मैं मेरा स्टाफ है दे नीड मी ऑल द टाइम वो मुझे बुलाते हैं मैं आके उनकी हेल्प कर देता हूँ क्योंकि हर बार इसमें चीज़ चेंज होती है हर बार आपको चेंज करना पड़ता है कल की बात है मुझे एक ख़ातून और एक के साथ उनके गलबन भाई थे मुझे कहते हैं जी आपने एक क्यू लगाई हुई है आप ट्रैफिक कॉज कर रहे हैं आप सारों को जाने दें जैसे वो जाना चाहते हैं मैं भाई दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी कि हमें ये इसी तरह रखना है क्योंकि अगर हम सारों को एकदम आने देते हैं ऊपर से भी लोग आ रहे हैं इधर से भी आ रहे हैं रश मर जाएगी कहते हैं नहीं नहीं आप, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं तो इस तरह लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हमने एक्सपीरियंस ही चीज़ें सीखी हुई हैं हमें पता है क्या, है क्या है क्या नहीं और हम हर बार चेंज करते हैं हर हर रमज़ान या हर बिजी टाइम में कोई भी फीडबैक होती है स्टाफ की कस्टमर की वी डू टेक इट ऑन बोर्ड लेकिन रमज़ान है ऑब्वियसली कुछ लोग खुश जाते हैं कुछ खुश नहीं जाते ऑब्वियसली भूख लगी होती है क्यों में खड़ा कोई भी नहीं होना चाहता खाने की भी क्यों लगी होती है लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को बेस्ट क्वालिटी सर्व करें और जितना वो खाना चाहते हैं खाएँ और यकीन माने इस वक्त हालात ऐसे हैं कि महंगाई आसमानों पर जा रही है लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी प्राइस को ये मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट यूके के अंदर पूरी दुनिया में महंगाई है लेकिन जिस तरह से जो रॉ मटीरियल है चाहे मीट है वेजिटेबल्स हैं कोई भी चीज़ आप उठा के देख लें वो बड़ी तेज़ी से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं आपका जो बजट है वो एक आम फैमिली का चार पाँच सौ पाउंड इंक्रीज हो गया पिछले चंद माह के अंदर अंदर ही तो आप किस तरह मैनेज कर पाते हैं क्या आप बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई कर देंगे अपने प्रॉफिट्स ऑब्वियसली आपने मेंटेन करने हैं या फिर क्या किस तरह से मैनेज करेंगे आप भाई इस इस वक्त जैसे हम मैनेज कर रहे हैं उसमें ये कि अगर हम ब्रेक इवन भी कर जाते हैं ना भी क्योंकि हमें ये अभी तक ये है कि ये हो सकता है टेम्प्रेरी हो क्योंकि ऑब्वियसली यूक्रेन में जो हालात चल रहे हैं या दुनिया में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसकी जैसे हो सकता है ये एक टेम्प्रेरी इन्फ्लेशन हो इस से हम कोशिश कर रहे हैं हम उसको मिनिमम पे रखें और हमारे कस्टमर पे ज़्यादा लोड ना आए तो प्राइस इस वक्त अगर आप आएंगे आप देखेंगे लोग देखते हैं इतने लोग आ रहे हैं लेकिन यकीन माने वी इज जस्ट अबाउट ब्रेकिंग इवन क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कस्टमर पर लोड़ ना पड़े और ये भी मेरी अबू की फ़िलासफ़ी है कि यार चलो खुद पर आ रहे हैं लेकिन लोग हमारे पास आते हैं मोहब्बत करते हैं हमारे अच्छे टाइम भी इनकी वजह से हैं हमारे बुरे टाइम भी इनकी वजह से लेकिन ये साथ एक चले अब जैसे कोविड में था हमारी जितनी कैंसिलेशन हुई हैं शादियों की हम 25 परसेंट डिपॉज़िट लेते हैं हमने किसी के पैसे नहीं रखे हमने सबको चेक दे के रिफंड किया हालांकि बाकी वेन्यूज़ ने कहा हमें अप्रोच भी किया एक दो वेन्यूज़ ने कि जी आप गलत कर रहे हैं आप मार्केट ख़राब कर रहे हैं हमने कहा हमारा मेरे अबू के ये अल्फाज हैं कि हमने कभी किसी का हक रखा नहीं है ना हम रखना चाहते हैं तो इस तरह ये है कि इसी वजह से शायद अल्लाह कामयाबी देता है इसी वजह से शायद कस्टमर आते हैं क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम उनको अपने घर वालों की तरह रखें अच्छा आप एक तरह से सेकंड जनरेशन यहाँ पे सेटल्ड हैं आपके वाले साहब ने मेहनत की आपने यहाँ पे एक बिज़नेस सेटअप किया कामयाबी मिली अल्लाह ताला की तरफ से आपको आपकी मेहनत भी शामिल है उसमें आप अपनी एज में या आप देखते हैं जो आपसे नेक्स्ट जनरेशन आ रही है क्या वो सही ट्रैक के ऊपर है क्या वो उस तरह की कामयाबी हासिल कर रही है आइडियली जिस तरह उनको करनी चाहिए क्योंकि आप यूथ के बड़ा करीब हैं तो आप क्या समझते हैं उनको क्या करना चाहिए लाइफ में तो भाई इस इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ हमारा यूथ काफ़ी कन्फ्यूज़ है पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूँगा पाकिस्तान के हवाले से हमारा यूथ बहुत कन्फ्यूज़ है इस वक्त ना वो पाकिस्तान जा सकते हैं क्योंकि अभी हालात उधर अप डाउन अप डाउन होते रहते हैं कुछ उधर की कहानियाँ हैं कुछ उनके माँ बाप नहीं जाने दे सकते कुछ जो है वो यहाँ पे हैं वो देखते हैं सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है सोशल मीडिया फॉर मी सोशल मीडिया पे जो आपको दिखाया जाता है मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा इसको देखें बट इस पर यकीन ना करें मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया पे वो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करेंगे जैसे कितने बड़े मिलिए नहीं हैं और वो जो यूथ उसको देख रहा है बंदे को उसको हकीकत नहीं पता वो कहते हैं मुझे भी यही गाड़ी चाहिए मुझे भी यही घर चाहिए मुझे भी यही जूते चाहिए उस चक्कर में हमारा यूथ जो है वो पैसे के पीछे पड़ जाता है और पैसे के पीछे जाते जाते वो कुछ भी कर लेंगे कुछ सिस्टम ऐसा है कि हमारे लोगों को ऐसे ऊपर नीचे कर ही देता है लेकिन यूथ के लिए जो है आई थिंक स्लेवरी नहीं होनी चाहिए यूथ को आज़ादी होनी चाहिए माँ बाप को प्रेशर नहीं देना चाहिए कि आपने ये करना है ये पढ़ना है ये करना है वो जो कर रहे हैं उनको करने दे गाइडेंस उनको देना लाजमी है और एक चीज़ है अगर आपका बेटा आपके पास आता है कहते है, जी मैंने ये बिजनेस सेट करना है आपकी एज़ ए फादर या एज़ ए पेरेंट ये ज़िम्मेदारी है कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसको इन्वेस्ट करें और उसको गाइड करें अगर वो उसमें फ़ेल हो जाता है तो ठीक है फेल हो गया लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो बजाय आपके पास आने के दस और बंदों के पास जाए कि यार आप मेरे साथ इन्वेस्ट करोगे आप इन्वेस्ट करोगे हो सकता है उसका आइडिया अच्छा हो कोई और ले ले कोई और कामयाब हो जाए तो यूथ को थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट चाहिए लेकिन आ, इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब एक तो जो चीज़ मुझे समझ आ रही है कि जो उनकी माइंड क्लैरिटी है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है के जो एक जैसा हमने कहा कि वो पाकिस्तान जाने के बारे में सोचते हैं फिर वहाँ के हालात ऐसे हैं वो वहाँ पर सेटल नहीं हो सकते कुछ उम्मीद कभी उधर की नज़र आती है कभी इधर की नज़र आती है लेकिन जिस तरह हमारे कैरि, कैरियर सजेशंस में अगर हम देखते हैं तो क्या यूथ इज़ वेरी क्लियर कि वो किस कैरियर में जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कैरियर के साथ साथ के जो बेसिक्स हैं यानी कि ऑनेस्टी है हार्डवर्क है गोल्स हैं क्या ये विजन्स नज़र आते हैं आपको यूथ में मेरा हमारा जो पाकिस्तानी यूथ हो या बूढ़े हों या यंग हो एक चीज़ है हमारे अंदर हम कभी हार नहीं मानते और कुछ करना है तो वो करके छोड़ते हैं और वो हम करते भी टॉप ऑफ द रेंज पे ही हैं चाहे वो गलत काम हो चाहे वो अच्छा काम हो इस वक्त आपको बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर पाकिस्तानी मिलेगा आपको बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर भी पाकिस्तानी मिल जाएगा आपको हर जगह पर पाकिस्तानी मिलेंगे जो काम करना है उन्होंने सुथरा करना नहीं तो करना ही नहीं है तो यूथ को क्लैरिटी तो है लेकिन रेट रेस की क्लैरिटी आ रही है इस वक्त जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि हाँ जी हमने डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है ये करना है वो या और बड़ी चीज़ें हैं जैसे मेरा एक मेरी खाला का बेटा है पाँच चार पाँच साल पहले मेरे पास आया तो वो टीन था उसको एक्सपीरियंस के लिए मैंने काम पर लगाया सारा कुछ तो उसने मुझे कहा मैं आगे क्या करूँ मैंने से कहा आप स्पेस एरोनाटिकल इंजीनियरिंग करो दिस इज़ फाइव ईयर्स अगो उस वक्त एलॉन मास्क वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे थे कोई स्पेस एक्स का इतना कुछ भी नहीं था मैंने उस वक्त उसको कहा कि आप ये करो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट दैट विल बी द नेक्स्ट थिंग इन आप अगर करना चाहते हो जॉब तो दैट इज़ वॉट यू हैव टू चूज़ बिकॉज यू विल मेक अ डिफरेंस आप एक डिफरेंस कर सकते हो चीज़ में अगर आप इंजीनियर हो बाकी लेकिन ये रेट रेस का जो सिस्टम है कि जी यही बनना है और आप उसमें लग जाते हो अच्छी जॉब में जाना है अच्छे पैसे आने क्या आप वही चाहते हैं कि आप हैंड टू माउथ ही, ही रहें पूरी जिंदगी वही सर्कल चलता रहे आपका या आप ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे या तो आप अपना नाम छोड़ के जाएँ या एक डिफरेंस बनाएँ या फिर आप बिज़नेस की साइड पे आ जाएं तो यूथ को ये चूज़ करना है कि किस कैटेगरी में वो जाना चाहते हैं और जिसकी उनको कंफ्यूजन है क्योंकि स्कूल उनको एक साइड पे खींचेगा माँ बाप दूसरी साइड पे खींचेंगे सोशल मीडिया तो वो दस और जगहों पर खींच के ले जाएगा तो ये उनको खुद मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और माँ बाप अगर प्रेशर ना डालें और कोई उनको गाइड करने वाला या समझाने वाला हो तो आई थिंक हमारा जो पाकिस्तानी यूथ है ख़ास करके दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल कोई ऐसा बंदा मैं नहीं जानता पाकिस्तानी और मेरे ख़्याल से अगर आप अभी ढूंढना शुरू करें गलत काम में भी टॉप पे अच्छे काम में भी टॉप पे जी बिल्कुल आपने ठीक कहा <coughs> विकास भाई आप एक बिजनेस की जर्नी में हैं आपने बहुत सारे हार्ड लर्न लेसन जो हैं वो आपने सीखे देखे बहुत सारे लोग बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं कामयाब होना चाहते हैं आप क्या सुजेस्ट करते हैं इस सिनेरियो में इस कंट्री के अंदर बिज़नेस में अगर किसी को एक्सेल करना है आगे बढ़ना है तो क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है या कौन कौन सी ऐसी हर्डल्स आ सकती हैं उसको जो उसको आगे बढ़ने में रोके आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे पैरामीटर्स वो ले कि एट दी एंड अगर वो कुछ साल स्ट्रगल भी करता है तो एक काम या बिज़नेस मैन बन जाए सबसे पहले तो जी किसी का खूबसूरत चेहरा देख के अपना चेहरा ना बिगाड़ो अगर कोई डिज़र्ट की किसी ने शॉप खोली है तो इसका मतलब नहीं दस और बंदे खोल के बैठ जाए क्योंकि वो उसका आइडिया उसको पता है उसने कैसे चलाना है हमारा जैसे बुफे का रेस्टोरेंट हमें पता है हमने कैसे चलाना है हो सकता है आप हमें कॉपी करें आपने आगे की सोची नहीं जा हम आगे दस साल की सोच के बैठें कि हम इसको आहिस्ता आहस्ता करेंगे तो किसी का खूबसूरत मुंह या किसी का अच्छा बिज़नेस देख के आप ये ना सोचें मैं भी यही करता हूँ आप अपने अंदर देखें आपको क्या चीज़ पसंद है हर इंसान के अंदर एक फितरत है और हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी एक क्वालिटी डाली है अगर आप उस क्वालिटी को ढूंढते हैं कि आपको वो क्या है आपके अंदर क्वालिटी और आपको क्या चीज़ पसंद है आप उसी बिज़नेस उसी लाइन में जाएं और ये करने की बात नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन माने मुझे तो गोल्डन स्पून जिसको कहते हैं मिली है वालिद ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है और उसी प्लेटफॉर्म पर मैं चल रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करता या मुझे पता नहीं है कोई ऐसा काम इस रेस्टोरेंट ट्रेड करनी है जो मैंने ना किया हो मैंने वेटरिंग की है मैंने शेफ़िंग सीखी है पॉट वॉशिंग की है, है आउटडोर केटरिंग की है कोई मेरे रेस्टोरेंट में ऐसा काम नहीं है कि मैंने ना किया हो इवन मुझे किसी ने कहा जी तंदूर का काम सबसे मुश्किल है और तंदूर का जो शेफ़ था वो मुझे बार बार नखरे दिखाता था मैंने तंदूर का काम सीख लिया एक दिन उसमें मुझे नखरा दिखाया मैं कहा भाई जी आप घर जाएँ मैं खुद खड़ा हो गया उधर दो दिन मैं खुद खड़ा हुआ तो इसी दिन मैंने एक और बंदा ट्रेन कर दिया वो खड़ा हो गया तो बात यह कि जो काम आपने करना है उसको समझ के करें अगर आपको काम की समझ नहीं है तो आप उसमें हाथ ना डालें मुझे कल ही एक आदमी का फ़ोन आया जी एक इवेंट करना है किसी सिंगर के साथ कोई इवेंट करना है तो आप कर लें मैंने दूसरे बंदे का फ़ोन आया जी मुझे आपसे हॉल चाहिए उस इवेंट के लिए तो मैं कहा यार मुझे भी किसी ने ऑफ़र की थी कहते तो आप खुद कर रहे हैं मैं कहा भाई मैं नहीं कर सकता ये मेरी फील्ड नहीं है मुझे उसकी समझ नहीं है मैं उस फील्ड में हाथ नहीं डालूंगा जिसकी मुझे समझ नहीं है तो वही है कि यूथ के लिए या किसी भी बिज़नेस पर्सन के लिए मेरी यही है कि अगर आपको बिज़नेस की समझ नहीं है तो आप उसमें ना जाए अनलेस आप उसको जानते हो बिजनेस को बेस से कैसे है आप उसमें हाथ ना डालें वरना किसी और का आइडिया आप लेंगे तो आप ना कामयाब होंगे चाइना के एक आ, आ, मिलेनर बल्कि विलेनर बिजनस मैन है जैकमा उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था वो ये कह रहा था कि अगर आपको कामयाब होना है तो आप उन कामयाबों कामयाब लोगों के साथ काम करना शुरू कर दें जो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब है और उनके साथ अगर आपको पैसे कम भी मिल रहे हैं तो आठ दस साल उनके साथ गुजारे हैं इधर मैं आपको बताता हूँ जी आजकल मेकअप की फील्ड बहुत ज़्यादा है आप जाके मेकअप फील्ड में तो मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम नहीं शुरू कर देंगे दैट इज़ नॉट गोइंग टू सूट यू डूइंग दैट्स नॉट योर इंटरेस्ट इज इट तो यही वाली है। बात है वही यही बात है कि आप वो चीज चुने पहले कि जो आपको इंटरेस्ट दे रही है फिर आप उसमें जाके उन लोगों के साथ उठें बैठें काम करें देखें सीखें मुफ्त काम करें मैं कहता हूं अगर आपको इंटरेस्ट है मोबाइल कैसे बनता है आपने वो करना है आप जाके फैक्ट्री वालों के मुझे पैसे नहीं चाहिए यार मैं फ्री काम करूंगा मैं देखना चाहता हूं क्या है, क्या है नहीं और मेरे अबू की सक्सेस स्टोरी भी यहीं से है अगर आप उनकी स्टोरी देखें तो उनको शौक है कि चीजें होती कैसे हैं ये कैसे हो रहा है ये कैसे हो रहा है उसी वजह से और वो जिस चीज में हाथ डालते हैं उसको वो पहले हर चीज़ करते है, है। मास्टर कर तो एग्जैक्टली exactly यही वाली बात है कि उस बिल्कुल सही कहा उसने लेकिन उसने आपको आधी बात कही उसने आपको ये नहीं कहा कि पहले अपनी इंटरेस्ट की चीज चुनो अब आप जाके मेकअप सीखना शुरू हो जाए कि आज ही मैं मेकअप आर्टिस्ट बेस्ट दुनिया के साथ बैठूंगा मैं कल को बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो आपकी फील्ड नहीं है जी विकास भाई बहुत शुक्रिया हमारा जो कुकिंग का सेशन है वो भी चल रहा है मोहम्मद वकास बहुत खूबसूरत गुफ्तू कर रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है इनसे गुफ्तु करते हुए लेकिन हमें एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है ब्रेक के बाद हमारी लाइन्स भी ओपन होंगी आप हमें स्टूडियो में लाइव कॉल्स कर सकते हैं आपको देखते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन रमज़ान हमारे साथ की ट्रांसमिशन चल रही है हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी भी सीख रही हैं मियाँ दिया से आपने देखा होगा प्रोग्राम के दौरान कि वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करती जा रही थी लेकिन अब हम मियाँ दिया से पूछते हैं कि इस वक्त उनकी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है और कितनी देर में हम इसको फिनिश कर पाएंगे और इन्होंने अभी तक क्या अपने जो स्टेप्स हैं कम्प्लीट किए हैं जी मियाँ दिया जी तो मैंने दही बड़े फ्राई कर लिए हैं और इसे मैंने योगर्ट बनाई थी मसाले डाल के और बहुत पतली सी दही बनाई थी और उसके अंदर स्ट्रेट डिप किया है क्योंकि मैं समझती हूँ कि बजाय कि बड़े आप पानी में डालें और उसे उसके बाद कॉश करके उसका पानी निकालें उसकी शेप ख़राब हो जाती है इसे स्ट्रेट दही में डाल दें इससे ये पानी भी नहीं छोड़ते और बहुत ज़्यादा अंदर तक इनके दही का टेस्ट जाता है तो ये मैंने इसमें सोक करने के लिए रखा है जो कि ऑलमोस्ट टेन फिफ्टीन मिनट सोक होंगे और आराम से नरम हो जाएंगे और वाल ये हो रहे हैं इसके अंदर सोक तो ये हम जो ऊपर योगेट डालनी है वो मिक्स कर लेंगे जो कि मैंने थिक यॉगेट ली है हाफ अ के जी है और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा लेमन जूस ताकि ये चटपटा सा बने और इसके अंदर आइसिंग शुगर चाहे तो आप दूसरी शुगर भी डाल सकते हैं आइसिंग शुगर का ये है कि फ़ौरन से ये मिक्स हो जाती है और थोड़ी ग्रेनी नहीं रहती इसका टेस्ट नहीं आता ग्रेनी और जैसे मसाले आपको पसंद है वैसे डालें मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा प्लेन रखें इससे चाट मसाला और जस्ट पिंच काली मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और जब ये दही तैयार हो जाएगी तो हम डिश में बड़े लगा के इसके ऊपर पोर कर देंगे और इसे नाइस एंड थिक ही रखेंगे क्योंकि जो बड़े हैं वो हमने ऑलरेडी सोक कर लिए हैं तो उसके अंदर दही जज्ब होने की ज़रूरत नहीं है और ये दही तैयार करने के बाद थोड़ा सा गार्निश तैयार करेंगे जो कि टमाटर प्याज़ चाहे तो आप चने भी डाल सकते हैं मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती सिर्फ़ आलू डालूंगी और धनिया और अनार के दाने हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे और ये लाइट सी डिश तैयार है और बहुत मज़े की है आपको बिल्कुल मिस नहीं होगा कि ये सिर्फ वेजिटेरियन है और इसमें कोई मीट मिसिंग है ऑल अच्छा दिया आज हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें एक लेजेंडरी रेस्टोरेंट जो है उनके ऑनर भी बैठे हैं वो भी इस बात को बड़ा अच्छा समझते हैं कि कौन सी डिश जो है वो कैसी बननी चाहिए आप इनसे पूछ लें आपकी डिश जो है उनको कैसी लग रही है जी मैं इनसे बल्कि ये पूछना चाहती थी क्योंकि जैसे इन्होंने मेंशन किया इनका बफ़े है तो डेफिनेटली बहुत सारी वहाँ पे डिशेस होंगी तो मैं ये पूछना चाहती थी कि इन सारी डिशेस में आपकी फेवरेट कौन सी है ये आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया आ... वैसे तो आजकल मैं डाइट पे रहता हूँ लेकिन सबसे जो मेरी फेवरेट डिश है स्टार्टर्स में मैं सेसमी विंग्स पसंद करता हूँ जो हमारे फ्राइड सेसमी विंग्स और मेन कोर्स में नमकीन गोश्त और भिंडी दोनों को कंबाइन करके अच्छा नाइस एंड प्लेन नाइस एंड प्लेन दैट्स राइट मेरे ख्याल से जितना कम आप मसाले डालें उतना गोश्त का अपना टेस्ट निकल के आता है तो डेफिनेटली आने वाले प्रोग्राम में नमकीन गोश्त भी बनाऊंगी अगर चांस मिला तो अभी आज दही बड़ों के लिए व्यूअर्स मियाँ दिया ने आपको बड़ी सिंपल लेकिन बड़ी इफेक्टिव रेसिपी बताई है आप दही बड़े किस तरह से बना सकते हैं इसको दही दही भल्ले भी कहते हैं दही बड़े भी कहते हैं और अच्छा वकास भाई एक्सपेंशन के बारे में आपका क्या ख्याल है क्योंकि मैंने देखा है कि रेस्टोरेंट्स एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा और लोग खोलते ही जाते हैं आपके सिर्फ अभी तक दो रेस्टोरेंट्स हैं और अभी शायद लंदन एल्फर्ड में भी आप ओपन कर रहे हैं तो आपने उस तरह से एक्सपेंड नहीं किया बिज़नेस को जिस तरह करना चाहिए था जी बात फिर वहीं पर आएगी उस्ताद हैं वालद हैं आ, उनकी मर्ज़ी के बैर कुछ भी नहीं होता और जो उनकी फ़िलोसफ़ी है इस पर वो ये है कि जब तक आपका पहला काम आपने मास्टर नहीं कर लिया वो सॉलिड नहीं है तो अब आगे ना चले आगे और हमारा जो सिस्टम है वो छोटा सिस्टम में नहीं है एक छोटी सी गलती आपको पूरी रेपटेशन ख़राब कर सकती है तो ये बुफे का जो जैसे सिस्टम है इनिशियली मैं आपको बताऊं आज से जब हमने 2000 2001 में स्टार्ट किया था तो उस वक्त हम वो स्पिरिट लैंप टाइप से नीचे रखते थे बुफे के गर्म करने के लिए वहाँ से बुफे ठंडी हो जाता था फिर दो रखते थे फिर तीन रखते थे इसको आहिस्ता आहिस्ता आता आहिस्ता डिवेलप किया कि किस तरह हमने टेम्परेचर मेंटेन करने हैं किस तरह क्वालिटी मेंटेन करनी है कुकिंग में और रेसिपी में क्या डिफरेंस लाना है कि बुफे में वो मेंटेन रहे फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझें कि आपने हांडी तो पका दी आप ख़ुद भी कुकिंग करते हैं आपने उसने चिकन कढ़ाई भी बनाई थी अब आपने बना ली अब बनाने के बाद आपने उसको हल्की आंच पर रख दिया दो घंटे के लिए घंटे के लिए तो उसका क्या होगा अब यहाँ पे भी ये सोचना पड़ता है कि आपको रेसिपी किस तरह अल्टर करनी है किस तरह चेंज करनी है कि वो अगर घंटा पड़ा रहे वो 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 धीमी आंच पे तो तो ख़राब ना हो और और रहे इसका मतलब 75 के करीब आप कुछ -कुछ कुछ आप आप उसको परसेंट कुक करें बाकी छोड़ दें ये ये, तो सीक्रेट है ये, इसी तरह के कोई की ट्रेड सीक्रेट है लेकिन ये अब आप आपको वही मेरे उस्ताद मेरे वालिद ही बता सकते हैं लेकिन ये इस तरह की ये छोटी छोटी चीजें जिनको मास्टर करने में बड़ा टाइम लगता है बुफे की क्वालिटी मेंटेन करना

जी ये ये मेरा भी एक आने वाला क्वेश्चन था वो अभी कॉलर ने पूछ लिया मुझे याद है काफ़ी अर्सा पहले जब मैं आपसे मिला था तो आपकी फ़िटनेस लेवल ये नहीं था बल्कि मेरी तरह काफ़ी हेल्दी थे आप लेकिन आपने अपनी फिजिक टोटली ट्रांसफॉर्म कर दी है उनका भी ये क्वेश्चन है कि रमज़ान के अंदर क्या ऐसा करें एक्सरसाइज़ या डाइट क्या फिट फिट रहें आ, इसमें, आ, आ, इसमें आ, एक तो क्योंकि मेरा जो कोच है आ, जिसके साथ मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ मेकायल uh, नाम है उसका फ्रॉम टोगो अफ्रीका से हो तो उस, उसने मुझे काफ़ी गाइडेंस वगैरह दी है सब कुछ दिया एंड हंड्रेड एंड सिक्सटी के जी मेरा वजन था एक सौ साठ किलो में wow. फैट था सो oh so, उसके बाद मैं अब स्टेज पर कम्पीट करता हूँ माशा करम से लेकिन उसने बड़ी चीज़ें सिखाई हैं जैसे वालद से मैं सीखता हूँ इसी तरह उससे मैंने नई चीज़ें सीखी रमज़ान में ये है कि आप अपनी रूटीन को थोड़ा आपको चेंज करना पड़ता है कि जो आपका दिन का रूटीन चल रही थी वो अब आपकी अफ्तारी के बाद चलेगी तो आपके अफ्तारी के बाद ऐसे हो जाता है कि जैसे आपकी ये आप दिन डे टाइम चल रहा है उसमें आप अपने चार या पांच मील जो भी हैं वो फ़िट करने की कोशिश करते हैं और सहरी के बाद फजर पढ़ के आप सो जाते हैं वर्कआउट जो है वो आपका बेस्ट ये है कि आप घंटा डेढ़ घंटा अफ्तारी से पहले कर लें अगर आप अफ्तारी से पहले कर लेते हैं अब उस पर भी डिपेंड है कि आप पे मसल मैस कितना और फैट कितनी है अगर आपने ज़्यादा मसल होल्ड किया हुआ है तो आप वर्कआउट कभी भी अफ्तारी से पहले ना कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा मसल होगा तो ज़्यादा शुगर लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे तो आप अफ्तारी के बाद दो मील्स खाने के बाद फिर जाके करें और फिर दो मील्स खा लें तो फोर टू फाइव मील्स अगर आप फिट कर सकते हैं ये मील्स का ये मतलब नहीं है इधर मैसिव मील्स ये छोटी छोटी हैं टू ग्राम चिकन टू ग्राम फ़िश विद दो ग्राम सात चावल वगैरह तो वो आप फिट कर सकते हैं ओट्स जो है सहरी में बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो स्लो डाइजेस्ट होती है

रमजान को तो सामने रखते हुए और दूसरा जो बंदा एक जो फिजिकली फिट भी होना चाहता है तो उस हिसाब से मेरा सवाल ये था कि जी कमिटमेंट किस तरीके से कमिटेड किस तरह हो सकते हैं आप एक्सरसाइज में और knowing के आप एक फूडी आदमी भी है तो किस तरीके से कमिटमेंट की जा सकती है टूवर्ड एक्सरसाइज और डाइट जी बहुत शुक्रिया कॉल और भी है जी एक और कॉल लेते हैं फिर इकट्ठे जवाब दे देते हैं जी सलाक जी, जी मैं नाम वहीद है मैं वकास साहब से एक कोश्चन करना चाहता हूँ रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ जी जी जरूर कीजिए वकास भाई आ, मैं काफ़ी दफ़ा खाना खाया है में। आ, बस एक चीज़ की कमी महसूस हुई है हमेशा सरसों के साग की जैसा कि पाकिस्तान में पकता है तो अगर कोशिश की जाए कि उसी पेस्ट का उसी जायके का आपके पास भी फिर शुरू हो जाए तो जी ज़रूर इस पर भी पूछते हैं एक और कॉलर है जी उनसे भी बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गया ओके जी मेरा ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई पहला क्वेश्चन अच्छा एक तो अलहमदिल्ला uh, आप एज अ बिज़नेस ऑनर लोग आपको जानते हैं लेकिन मुझे लगता है आपकी फिटनेस को लेके शायद आप जो कम्पीट करते हैं उसको ले कर भी लोग आपको फॉलो करते हैं एक और क्वेश्चन इसी हवाले से आया था फिटनेस के हवाले से उसके बारे में आप क्या कहते हैं जी अब्दुल करेंशकूर साहब ने गाल किया कमिटमेंट uh, uh, जो है वो अगेन इट्स ऑल इन योर माइंड ये सारा आपके दिमाग की गेम है कमिटमेंट uh, अब मैं रोज़ खाने के इर्द गिर्द होता हूँ मेरा भी दिल करता है मैं खाऊं कभी कभार खुशबू भी आ रही होती है दिल करता है लेकिन मैंने एक ठान लिया कि मैंने ये काम करना है और जो हमारा जिसम है ना ये एक अल्लाह ताला की इमानत है अगर आप इसको इस लिहाज से देखेंगे कि अल्लाह ने आपको एक इमानत दी है ये इस तरह जिस तरह आपके वालिद ने आपको एक बहुत खूबसूरत घर दिया है रहने के लिए और आपने उस घर का कभी ख्याल ही नहीं रखा और उस घर में आप धीमक लग गई है जाले लग गए हैं ख़राब हुई है और कोई गेस्ट आ जाए तो कहता है कि यार ये क्या और आपके वालिद देखेंगे मैंने उसको ये घर दिया है या फिर उनको कैसा महसूस होगा तो जिसम जो है ये अल्लाह की एक इमानत है अल्लाह ने आपको दिया और अल्लाह ने ये कहा मैंने हर बंदे को ख़ूबसूरत बनाया हर बंदे में अपनी एक तरह की खूबसूरती है तो अगर आप इसको उस तरह देखेंगे तो आपकी कमिटमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी इनिशियली मुश्किल होता है शुरू शुरू में बहुत मुश्किल मुश्किल आती हैं आप चाहते हैं कि मैं आजकल ज़माना ही इतना तेज़ है कि आप चाहते हो मैं सो के उठूँ सुबह उठूँ तो मैं मेरे रिज़ल्ट आए हूँ लेकिन नहीं जिसे मैं एक प्रोसेस है लेकिन जैसे जैसे आप फिट होते जाएंगे आप मेंटली अपने आप को अच्छा फील करेंगे आप फ्रेश फील करेंगे आप ज़्यादा एक्टिव होंगे आपके जो काम की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी तो मेरे जो एक दोस्त हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं वो आजकल लेकिन उनका प्लान बनता है कि मैं जिम जाऊँगा नहीं जाऊँगा लेकिन ये एक ट्रिगर पॉइंट है आप कोशिश करते रहें मैं हमेशा कहता हूँ ट्राइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फेलियर एंड फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस जब तक आप ट्राई करते रहेंगे आप फेल होते रहेंगे एक दिन आएगा आप कहोगे यार भार भार फेल हो रहा हूं, मैं करके जो पहले पाँच छह दिन है उसमें जो जोशो खरोश होता है वो अगले आहिस्ता खत्म हो जाता है ज्यादातर लोगों का यही मसला है ना कि कमिटमेंट क्यों नहीं है दस मिनट दस दिन पंद्रह दिन वो बहुत एक्टिव रहते हैं उसके बाद वो इसलिए कि आप शुरू में ही हर चीज़ कहते हैं कि जी मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ आप जिम जाते हैं आप सारे वेट उठाने की कोशिश करते हैं आप एक्सट्रीम डाइट पे चले जाते हैं इस वजह से आप कोप नहीं कर सकते अगर आप कार्ब्स खा रहे हैं जैसे भाई ने कहा वो फूडी आदमी है अगर आप फूडी आदमी हैं तो पहले आप आहिस्ता आहिस्ता अपना खाना रिड्यूस करें जैसे मैंने कहा एक प्रोसेस है आप एकदम अगर खाना छोड़ देंगे आप में सर में दर्द होगी आपकी बॉडी जवाब देगी मूड स्विंग्स आएंगे आप आपको वो

तो अगर मुझे ये ये इफ्तार पार्टी में बनानी हो तो क्या मैं इसको रात पहले बना सकती या ये फ्रेश उसी वक्त बनने चाहिए दही बड़ो की खासियत है कि आप इसे बना के फ्रीज भी कर सकती हैं जो कि बात फ्रेश में होगी डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा टेस्ट कम होगा जब आप फ्रीज करेंगी लेकिन काम चल जाएगा जो कहते हैं ना वर्किंग वूमन के सारे शौक अगर पूरे होने लगें तो क्या ही बात है अगर आप इसे फ्रीज कर लें तो एक कैटल बॉईल करें उसके अंदर थोड़ी देर के लिए सोक करें और ये एकदम से दोबारा से नरम हो जाएंगे लेकिन फ्रेश की बात और है लेकिन फ्रीज भी हो सकते हैं यस जी बहुत शुक्रिया एक क्वेश्चन था साग का साग जीवो, मेरा जीवो, भी फेवरेट है और बहुत सारे लोग जो नवाब रेस्टोरेंट विजिट करते हैं उनकी कोशिश होती है अगर वो सब्जियां खाना चाहते हैं तो साग ज़रूर ट्राई करते हैं मकई की रोटी के साथ उनका ये कहना है कि वो जो टेस्ट है जो पाकिस्तान में गांव में देहात में दादी अम्मा अम्मी जान के हाथ का वो शायद यहाँ पे नहीं है अब वो गंदलों का साग यहाँ तो नहीं मिल सकता यहां तो डबे है यहाँ तो डब्बे भी मिलते हैं जब वो फ्रेश सीज़न का आता है तो फिर हम हम लाजमी लगाते हैं <coughs> तो अभी तो फिलहाल वो डब्बों का होता है लेकिन ज़रूर हम आ, उसकी रेसिपी चेंज करने की कोशिश करेंगे लस्सी वाला उसको डाल के उसको जरा प्रॉपर लस्सी वाला साग करेंगे लेकिन आ, वो सीज़न जब आता है तो डेफिनेटली वो साग होता है और उसमें मैं भी खा रहा होता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊँगा कि सीजन में जब भी आएगा साग आएगा वो हमेशा लाते हैं क्योंकि एक साग ऐसी चीज़ें लगा हुआ है उधर हमारा लेकिन अब सीज़न नहीं है उसको आना मुश्किल है कुछ पाकिस्तान से आता कम है लेकिन इन कोशिश करके इसकी रेसिपी चेंज करेंगे आपको जायका वही वाला देंगे जो पाकिस्तान में आता है जी बिल्कुल अच्छा ये मैं उस दिन रेस्टोरेंट में विज़िट कर रहा था तो मैंने देखा आपने एक तो वालद साहब की माशाल्लाह मैं आई अप्रिशिएट कि आप अपने वाल साहब का इतना रिगार्ड करते हैं और उनको बार बार आप कोट करते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि बेंग ए सारे लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं कि वो इस तरह ज़रूर अपने पेरेंट्स को अप्रीशिएट करें और ये मैंने आपसे सीखा है अलहदुल्ला हमारे पेरेंट्स हमें गाहे ब गाहे सिखाते रहते हैं बताते रहते हैं लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम उनको अप्रीशिएट भी करें अच्छा वहाँ पर वो खुद सर्विंग कर रहे थे जी खुद सर्विंग कर रहे थे हलीम डाल के दे रहे थे निहारी डाल के दे रहे थे तो क्या ये उनकी रूटीन है जी उनका शौक है उनका पैशन है उनका यकीन है मेरी मेरे वालद और मेरी रिलेशनशिप बाप बेटे से कम कम है बाप बेटे की दोस्तों की ज़्यादा हमारी बहस भी होती है आप हमें बहस करते हुए देखेंगे आप कहेंगे यार ये कोई दोस्त हैं यह क्या है हमारी बहस भी होती है हमारा प्यार मोहब्बत भी है लेकिन वालिद का जो मेरा पैशन है जब भी काम बिज़ी होता है वो किचन में आके खड़े होते हैं उस लिहाज से एक मुझे भी ये इतमान होता है सुकून होता है कि मेरी एक साइड संभाली हुई है और उनको शो है और क्वालिटी जो है वो बिज़ी टाइम में जो कंट्रोल उनके होते हुए होती है वो वैसे नहीं होती और ये भी एक है वो आके खड़े हो जाते हैं तो सारे स्टाफ को पता होता है कि अब हम दूर से ये देख के इन्होंने बता देना ये चीज़ ठीक नहीं है तो वो खुद भी करते हैं पुड़ियाँ जैसे हैं पुड़ी वो खुद खड़े हुए थे आपने जैसे उस दिन कहा वो पुड़ियाँ भी खुद बनाते हैं ताकि जो वो फूली भी कहते हैं पूड़ी ना हो तो अच्छी नहीं है तो मेक श्योर करते हैं अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लोगों को जाएँ तो एक एक ये भी बिज़नेस की कामयाबी का रास बोल रहे कि वो ख़ुद भी इन्वॉल्व हैं ऑन हैंड हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है अगर हम मैनेजर्स पे छोड़ दें और हम जैसे आप कह रहे थे लोग रेस्टोरेंट पर रेस्टोरेंट खोलते हैं हम अगर रेस्टोरेंट पर रेस्टोरेंट खोल के खुद घर बैठ जाए फिर भी चलता रहेगा अल्लाह का करम है सिस्टम चलता रहेगा एक बनाया हुआ है लेकिन जब आप ख़ुद उधर होते हैं उस चीज़ में एक डिफरेंस आ जाता है आप कई ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो कि बाकी लोग आपके लिए नहीं देखेंगे अच्छा आप माशा यंग हैं इनर्जेटिक हैं कमिटेड हैं आपके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का आप क्या सोचते हैं फ्यूचर में आप एज़ अ पॉलिटिशन पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करेंगे क्या फ्यूचर प्लान्स में आप ये शामिल है देखें जी मुल्क को जब ज़रूरत पड़ी तो हम हाजिर मुल्क के लिए पॉलिटिक्स जब तक जैसे चल रही है ऐसी चलेगी तो आई एम सॉरी टू से मैं इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता क्योंकि अभी जो चल रहा है सिस्टम वो एक एक ख़ानदानी पॉलिटिक्स चल रही है कि बाप था बेटी है बेटी आगे हस्बैंड आगे बेटी वो एक ख़ानदानी पॉलिटिक्स चल रही है तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं है पाकिस्तान हमने ख़ानदानों के हवाले किया हुआ है तो पॉलिटिक्स नहीं लेकिन इन शाला आप यू के पॉलीटिक्स में आना चाहेंगे नहीं जी UK? पॉलिटिक्स से मैं दूर ही रहूँ तो बेहतर है पाकिस्तान हाँ ये है कि अगर पाकिस्तान पॉलिटिक्स में मैं वैसे पोलिटिकली न्यूट्रल हूँ लेकिन आई एम ए बिग फैन ऑफ इमरान खान हिमसेल्फ अगर किसी दिन उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है किसी तरह तो मैं ब्रिटिश नेशनलिटी वाला छोड़ के वहाँ जाऊँगा उनको सपोर्ट करने बिकॉज आई सी हिज़ विजन नॉट मैनी पीपल कैन सी हिज़ विजन उनका जो विजन है अगर उसको लॉन्ग टर्म देखा जाए तो आपको नज़र आएगा अभी शॉर्ट टर्म लोगों ने जो देखा है वो एक डिफरेंट है एक चीज़ बिगड़ी हुई है टूटी हुई है उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल है उसको रिप्लेस करना बड़ा आसान है लेकिन वो जोड़ने की जो कोशिश इमरान साहब कर रहे हैं उसकी वो मुश्किल चीज़ है

I'm obviously, here. I'm into fitness and I do a little bit of boxing. So, as you know, um, Doctor Saab is also uh, sort of from a fitness background. He's, a, he's got background of uh, bodybuilding. Just wanted to ask him, what's the best way to sort of lose weight in Ramadan? Uh, बहुत शुक्रिया। uh, मैं नहीं पता लोग आपको डॉक्टर भी कहते हैं। थी? I don't know, but उन्होंने कहा कि वो बेटा उनका बॉक्सिंग करना चाहता है। आप कुछ बता देंगे। जिन्हों लूज़ वेट का कुछ कहा कि रमज़ान में वेट लूज वेट लूज़ जो है इट्स uh, वो भी दो चीज़ों में आता है कि मसल वेट लूज़ करना है या आपने फैट वेट लूज़ करना है जैसे वो कह रहे हैं उनका बेटा बॉक्सिंग में है तो आई थिंक वो उनके लिए मोर ऑफ लूजिंग द फैट फैट लूज़ करने के लिए रमज़ान में जो है अगर लोग ये समझते हैं कि रमज़ान में आप वज़न कम कर सकते हैं तो ये हम सब की गलत फहमी है क्योंकि एक तो आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में जाती है आपने उसको इतनी देर के लिए खाना नहीं दिया पानी नहीं दिया तो जो भी आप उसको देंगे वो बॉडी एकदम होल्ड करेगी क्योंकि बॉडी कंफ्यूज्ड है कि दोबारा किस वक्त खाना मिलेगा किस वक्त नहीं मिलेगा इट टेक्स टू वीक्स फ़ॉर द बॉडी टू रियलाइज़ कि हाँ मुझे ये खाना रेगुलर आ रहा है तो उसके बाद वो कोई चेंजेस लाना शुरू करेगी लेकिन उसमें आप यही है कि अगर आप लूज़ करना चाहते हैं तो आप फ़िश वाइट फिश वाइट फिश पर चले जाएँ और ग्रीन वेज थ्री टाइम्स टू हंड्रेड ग्राम्स ऑफ वाइट फिश एंड वेज एंड आप आखिरी जो आपकी मील होगी उसमें आप या स्टेक खा लें या सामन फिश खा लें टू हंड्रेड ग्राम्स और फिर आप ओट्स सैरी में खा लें तो उससे आपका वज़न जो है मेनटेन रहेगा अगर कम हुआ तो थोड़ा सा कम भी हो जाएगा मैंने ये देखा है कि जब रमज़ान आता है तो पहले वीक में कुछ वेट ऑटोमेटिकली गिर जाता है लेकिन उसके बाद फिर वो रुक जाता है वो वाटर वेट होता है क्योंकि आपकी बॉडी ने पानी भी होल्ड किया होता है तो जैसे ही आप बॉडी के कोई भी चेंज आएगा सबसे पहले वो पानी आपकी बॉडी छोड़ देगी क्योंकि आप पानी भी पीना कम कर दिए तो वाटर वेट होता है विच इज़ अ डमी वेट के लोग समझते हैं जी मेरा दो किलो कम हो गया वजन तीन किलो कम हो गया चार हो गया रमज़ान में जैसे ही आप अपनी वापस रूटीन में जाएंगे वो वाटर वेट आपको वापस गेन हो जाएगा ओके okay. uh, मियाँ दिया जो है इस वक्त वो फाइनल शेप दे रही हैं अपनी डिश को और बहुत अट्रैक्टिव उन्होंने प्रेजेंटेशन भी रेडी कर दी है Uh, मियाँ दिया आप बताइए आपकी डिश कैसी लग रही है रमज़ान है लेकिन आई uh, होप कि मैं इसको घर लेके जा सकूं जी मैंने ऑलमोस्ट तैयार कर लिए हैं दही बड़े और इसके ऊपर इमली सॉस डाली है जो कि आप घर पे भी बना सकती हैं चाहे तो uh, शॉप से भी बहुत अच्छी मिल रही है नाइस थिक तो ये इमली सॉस का थोड़ा सा पैटर्न बनाया है कि मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी आंखों से खाते हैं तो अगर चीज़ दिखने में अच्छी है तो चांसेस हैं कि टेस्ट भी अच्छा होगा तो प्रेजेंटेशन इज़ की तो अब इसको ऊपर से सजाने के लिए थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट करने के लिए इस पर अनार के दाने डालूँगी ताकि कुछ रेड भी आ जाए बीच में और ये टेस्ट में भी बहुत नाइस लगते हैं क्रंची जम्मू में आते हैं बहुत नाइस लगते हैं चाहे तो आप इस पर पापड़ी भी डाल सकते हैं तो ये झटपट बनने वाला स्टार्टर कह लें और मेरे लिए तो मेन कोर्स है मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसकी एक दो हेल्पिंग तो ज़रूर खाती हूँ अफ्तार में तो ये रेडी है ट्राई कीजिए और हमें लिखिए फीडबैक दिए कि कैसा कैसा लगा आपको और आ, आ, क्या चेंजेस आप करेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं जी बिल्कुल ठीक है <coughs> क्विकली अगर आप अपनी रेसिपी इसको बता सकें जी तो मैंने क्या किया सबसे पहले माश की दाल हमने भिगोई थी और ये की पॉइंट है उसका कि उसे ओवरनाइट भिगोएं और उसके अंदर आप थोड़ा सा मसाला डाल के उसे ग्राइंड करें और ग्राइंड करने के बाद जब आप उसे फ्राई करेंगे तो ये याद रखें कि मैं इसे सीधा दही की लस्सी में डालती हूँ पानी में बिल्कुल नहीं भिगोती क्योंकि फिर पानी को निकालने में उसकी शेप ख़राब हो जाती है तो थोड़ा सा उसे भिगने दें आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए काफ़ी है और अगर चाहें तो फ्राई करके इसे फ्रीज भी कर सकते हैं जैसे कि हमारे कॉलर ने पूछा और ऊपर से जो मैंने यॉकट डाली है वो बहुत थिक रखी है क्योंकि अंदर उसकी दही है ऑलरेडी सिर्फ ऊपर गार्निश के लिए डाली है और ये सारा रेडी है आपके सामने जी जबरदस्त मियाँ दिया जो है वो वकास आपने देखा बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी प्रेजेंटेशन का क्या रोल है खानों में देखिए जी आजकल के ज़माने में हर चीज ही प्रेजेंटेशन से अगर आपको याद हो तो आपकी वालदा ने कभी ऐसे ऊपर पैटर्न पोटर्न बना के अगर आपको दिया हो कभी दिया था आपको नहीं प्यार था खलूस था वही प्रेजेंटेशन थी आजकल जो प्रेजेंटेशन है जैसे इन्होंने बताया यही प्रेजेंटेशन है जी आजकल जितने खूबसूरत चीज़ लगेगी उतनी अंदर से खोखली ऊपर से खूबसूरत मेरे अंदाजे में चीज़ को प्रेजेंटेबल होना चाहिए लेकिन उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए कभी कभार हम गार्निश करने के चक्कर में और चीज़ को खूबसूरत लगाने के चक्कर में उसका टेस्ट ही घुमा देते हैं तो वही वाली बात है ऑथेंटिकेशन आनी चाहिए जैसे कि आपके घर में चीज़ बनी हो आपकी वालदा ने आपको बना के खिलाई हो या वैसे उसके थोड़ी सी गार्निश वगैरह ठीक है लेकिन ये जो ये है दिस इज दिस इज़ हाउ इट इज़ तो जैसे आज जिन्होंने बनाया है यही बिकता है आजकल के ज़माने में जो दिखता है वो बिकता है सही है आपने देखा इन्होंने जो रेसिपी फॉलो की है आपके रेस्टोरेंट में भी दही भल्ले बनते होंगे तो एग्जैक्टली क्या इसी तरह से मिलती जुलती है जी मिलती जुलती है थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी सी एक चीज़ है कि एक से तीन दिन आप फ्रिज में रख के तो यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई लेडीज़ अगर वो बिज़ी है नहीं कर सकते एक से तीन दिन आप अगर फ्रिज में रख लें और उसके बाद उनको निकाल लें इसमें ट्रिक ये है कि जैसे आप उनको फ्राई करते हैं आपने उनको ठंडा कैसे किया आप ज़्यादा जानती हैं कुकिंग का तो आप जैसे उनको फ्रायर से निकालते हैं आपने उनको ठंडा कैसे किया और किस टाइम फ्रिज में रखा तो एक से तीन दिन आप उनको यूज़ कर सकते हैं कई लोग हैं उसको ठंडे पानी में रख के फ्रिज में रख देते थे कई हैं जो कि उनको फ्रिज में वैसे ही रख देते हैं और फिर उनको निकाल के जैसे उन्होंने बताया कैटल में गर्म पानी करके पाँच दस मिनट रख लास्ट क्वेश्चन हमारा टाइम थोड़ा रह गया जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जिस तरह रेस्टोरेंट की मैं बाद में बात करता हूँ जिस तरह बड़े स्टोर हैं टेस्को आसदा इस तरह के सेंसबरी सेंस वगैरह इनकी वजह से जो छोटे बिजनेसज हैं वो सफ़र हुए जो कॉर्नर शॉप है वो सफ़र हुई तो जिस तरह के आपके साइज़ के बड़े रेस्टोरेंट आते हैं जिस तरह अभी आप ईस्ट लंडन मेलफर्ड में आ रहे हैं तो आप क्या समझते हैं जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वो इफेक्ट होंगे अत्र भाई जो अल्लाह ने रिस्क आपके लिए लिखा है वो आपके लिए लिखा है जो मेरे लिए लिखा है वो मेरे लिए लिखा है वो ना कोई जो आपके लिए लिखा है मैं आपसे ले सकता हूँ ना आपको मैं दे सकता हूँ वो अल्लाह का ही है अल्लाह ने जिसके हिस्से में जो लिखा है वही है वही उसको मिलना है तो बात यह है कि हम किसी से कम्पीट नहीं करते हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है कि रोज़ हमने कैसी चीज़ इंप्रूव करनी है अगर आप मेरी सारी कन्वर्सेशन पीछे की देखें तो मैं आपको यही बता रहा था पहले हम स्प्रेड लैंप यूज़ करते थे फिर हमने डिफरेंट रेसिपीज चेंज की फिर अब हम उनको डिफरेंटली गर्म रखते हैं बुफे की डेप्थ कितनी होनी चाहिए उसमें पानी कितना होना चाहिए हमारा कंपटिशन ये है कि जो हम कर रहे हैं उसको ठीक ठाक कर लें बाकी अल्लाह ने जिसके हिस्से में जो लिखा है वो उसके हिस्से में लिखा है और यकीन माने मैं कहीं रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ मुझे अगर उनकी डेकोर अच्छी लगती है या कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे खुशी होती है कि ये नहीं है कि यार ये ये जान मैं इससे बेहतर कर सकते हैं कुछ मुझे खुशी होती है मैं मैं कभी कभार ये सोचता हूँ उनसे पूछ लेता हूँ कि ये आपने कहाँ से लिया ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम वहाँ से ले सकूँ तो इसमें यह नहीं है कि अगर आप बेहतर कर रहे हैं मैं या हम किसी का बिज़नेस इफेक्ट करने आएंगे अल्लाह ने जिसके लिए जो लिखा है वो लिखा है और अगर कोई उसका कोई अपना टेस्ट डेवलप कर चुका है ऑलरेडी तो वो ऑबियसली उसकी मार्केट वही रहेगी और वो सर्वाइव करता रहेगा जी बहुत शुक्रिया वकास साहब आप तशरीफ़ लाए मियाँ दिया आपका भी बहुत शुक्रिया आप तशीफ़ लाए अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो नात स्पेशल होगा हमारे पास ज़बरदस्त नातखा मौजूद होंगे जिनसे हम नातें सुन रहे होंगे रमज़ान जो है वो पूरी आबोताब से जारी व सारी है दूसरा अशरा जो है वो कम्प्लीट होने वाला है मुझे आपको ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजारें नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़